बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम माजा बुगवी एंड टुडे आई एम हियर विद माय लेक्चर ऑन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। टू स्टार्ट विद, लेट्स डिस्कस व्हाट इज इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। वी स्टार्ट विद द वर्ड कम्युनिकेशन। इट मींस टू कन्वे, टू एक्सचेंज योर आइडियाज, योर थॉट्स एंड एवरीथिंग दैट्स इन योर माइंड। एंड व्हेन इट कम्स in terms of business communication, that means any communication that you do just for the sake of earning profit, to earn your name in the market and to expand your business. And when it comes on the terms effective business communication, then you should consider some other things. What are those things? Let's see. These are also called the benefits of effective communication: stronger decision making and problem solving. This is effective business communication. Upturn in productivity. Obviously, आपकी communication जितनी ज़्यादा strong होगी उतना ज़्यादा आपको high business मिलेगा. Convincing and compelling corporate materials. आपका homework अच्छा है, आपने अच्छे से अपनी बात को तैयार किया हुआ है, you know what to say, whom to say, how to say, तो आपकी बात उतनी ही ज़्यादा convincing हो जाती है. Clearer, more streamlined workflow. ये आपका इंटरनल कम्युनिकेशन का मामला है जिसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. एंड देन एनहांस्ड प्रोफेशनल इमेज, नॉट ओनली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जहाँ पर आपको आके अपने नए क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है कि वो आए और आपके साथ बिजनेस करें. एंड देन साउंड बिजनेस रिलेशनशिप्स, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स इंश्योर्ड. अंडरस्टूड बात है कि एक वेल होमवर्क बात जो है उसको जब आपने अच्छे से कन्वे किया है तो वो आपको मतलूबा नतज दे देगा. अगली बात ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारी वर्क प्लेस में क्या है. अभी तो हमने डिस्कस किए थे बेनिफिट्स, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे. फर्दर क्या है कि एडवांसिंग टेक्नोलॉजी आपके पास है, ग्लोबल कम्युनिकेशन है और ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन एज का ज़माना है और टीम बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. तो इन तमाम सिचुएशंस में, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी में जब आपकी कम्युनिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, पहले फैक्स था, टेलीफोन्स थे, फर्दर थोड़ा सा आगे आए उसके बाद स्काइप आ गया, ऑनलाइन मीटिंग होने लग गई ऑल ओवर द वर्ल्ड. जहाँ कहीं कोई ओवरसीज बैठे हुए हैं लोग, वो लोग पार्टनर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो बैठे क्वाइट इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड देन ग्लोबल कम्युनिकेशन हो जाती है. वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज एंड एवरीवन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर क्वाइट इजीली विद टू टूल्स, नंबर वन टेक्नोलॉजी एंड नंबर टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज. एंड देन एज इट्स इंफॉर्मेशन एज, so it requires smartness and communication along with the smart strategies. It helps you in expanding your business and team based business environment is inside the organization. Jitna zyada aapka flow of communication hai wo strong hoga, upward downward uska horizontal hai ya diagonal hai, jis bhi angle mein aap communicate kar rahe hain, jitne zyada aap clear honge, to the point honge और स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अपनी बात को कन्वे करना और बात मनाना आसान रहेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन कम्स बिजनेस कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज. हमारे पास दो एंगल्स में बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया. एक को हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरी हमारे पास है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि ये वो है जो आप विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ. एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो जो कि आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बैंक्स के साथ करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, आपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन के साथ फॉर द सेक ऑफ बिजनेस होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. मैथड्स क्या हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने के? दो मैथड्स हमारे पास, ओरल है एंड देन हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन. ओरल में हम बात कैसे कर सकते हैं, अगर हम विद इन सेम ऑफिस हैं तो इंटरकॉम इज द बेस्ट ऑप्शन, थोड़े दूर हैं तो टेलीफोन या मैसेजेस, फेस टू फेस डिस्कशन इज अनदर वेरी सूटेबल ऑप्शन. एंड देन इफ यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, सम इम्पॉर्टेंट डाटा इन अ मीटिंग, प्रेजेंटेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट टूल. एंड रिटन में हमारे पास आ जाती हैं जनाब ईमेल है, फैक्स, नोटिस, इंटरनेट, क्वेश्चनेयर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, न्यूज लेटर्स, मेमोरेंडम्स एंड रिपोर्ट्स. सेम मेथड्स आप यूज़ करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए.
ऑर्डिनरीली आपकी अपने क्लाइंट से मीटिंग हो सकती है, आप कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं या अटेंड करने जाते हैं एज अ स्पीकर। फिर आपकी कन्वर्सेशंस होती हैं विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स, टेलीफोन पर मीटिंग्स होती हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एंड प्रेजेंटेशंस एज वेल टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, मोर कस्टमर्स। देन कम्स रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ है, प्रेस रिलीज है, हमारे पास ब्रोशर्स हैं, इन्विटेशन कार्ड्स हैं जो कि हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को भेजते हैं फॉर द रेपो बिल्डिंग पर्पस। नाउ कम्स द कम्युनिकेशन साइकिल। एज आई मेंशन्ड इट अर्लियर, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ये कभी भी वन वे नहीं हो सकता। अगर ये वन वे होगा तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। कैसे, अभी इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसिपिएंट। सेंडर सबसे पहला काम जो करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो करता है टू कंसीव द मैसेज। हाउ इज दिस मैसेज कंसीव्ड? व्हाट डू यू हैव टू से? टू हूम यू हैव यू वांट टू से इट एंड व्हाई डू यू वांट टू से इट? व्हाट पॉसिबल बेनिफिट डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन? जब तक आपके जहन में आपको ये तमाम सवालात क्लियर नहीं होंगे, आपकी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। टू मेक योर कम्युनिकेशन मोर क्लियर, मोर एप्ट, इन तमाम सवालों के जवाब आपके जहन में होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाउ टू से इट। जब हम हाउ का क्वेश्चन सर्च करते हैं तो फिर यहाँ पर बात आती है आपकी लैंग्वेज की, सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी की, द वे यू कम्युनिकेटेड। सो यू सिलेक्ट द लैंग्वेज, यू एनकोड द मैसेज। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एनकोड। व्हाट डज दिस मीन? दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दे आर एक्चुअली द कोड वर्ड्स। सो जिसको ये कोड्स आते होंगे वो उनको एनकोड कर सकेगा सर्टेन कोड्स में, अपने आइडिया को एक लैंग्वेज का लिबास जो है उसको पहना पड़ेगा। एंड देन यू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल। अब ये चैनल सिलेक्शन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ही ऑफिस में हैं, एक ही बिल्डिंग में हैं, तो चैनल जो है वो कोई पियोन भी हो सकता है, वो इंटरकॉम भी हो सकता है, वो फ़ोन भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकती है। दूसरे बिल्डिंग में आप रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो फिर टेलीफोन कॉल या बाय पोस्ट आप चीज़ को भेज सकते हैं, आप रजिस्टर्ड डाक भेज सकते हैं, आप ऑनलाइन वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। एनी चैनल दैट सूट्स यू अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइम, ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेंडिंग द मैसेज। ऑलरेडी आपकी साइड से ये तीन नेसेसरी स्टेप्स पूरे हो गए एंड यू हैव सेंट द मैसेज। जब मैसेज भेज दिया गया तो सबसे पहला स्टेप जो हुआ वो मैसेज को रिसीव करने का हुआ। मैसेज रिसीव करने के बाद उसको डीकोड किया गया। मैसेज डीकोड उसी सूरत में हो सकेगा जब उस सर्टेन लैंग्वेज के कोड्स आपको ऑलरेडी मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश है या उर्दू है, अगर लेटर इन दो लैंग्वेजेस में लिखा गया और आपको ऑलरेडी ये लैंग्वेजेस आती हैं तो आप उस मैसेज को डीकोड कर पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे इसमें लिखा गया होगा। अगर ये चाइनीज में है, फ्रेंच में है, जापानीज में है और आपको ये लैंग्वेजेस नहीं आती हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी इन नीड ऑफ समबडी टू ट्रांसलेट इट फॉर यू इसमें लिखा गया होगा। सो डीकोडिंग द मैसेज के बाद आपने उसको, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, इंटरप्रेट द मैसेज, रीड बिटवीन द लाइन्स। मैसेज क्या दिया गया है, क्या जो बात लिखी गई है कहने वाले का एक्चुअली वही मतलब था? बिजनेस कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ टू रीड बिटवीन द लाइन्स का जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स, आपने मैसेज को समझ लिया, अब टाइम आ गया उसका जवाब देने का। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी कम्युनिकेशन, दैट इज द फीडबैक। फीडबैक मीन्स टू गिव रिस्पॉन्स। अब ये फीडबैक बहुत सी तरह का हो सकता है। अगर तो आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो फिर आपकी नॉडिंग, स्माइल, फ्राउन, आई कॉन्टैक्ट या नोट टेकिंग का स्टाइल जो है, ये सब चीज़ें नॉन वर्बली आपके लिए कम्युनिकेट करेंगी। अगर लेटर आया है तो लेटर का जवाब लेटर की फॉर्म में होगा। अगर आपको कोई क्वेरी आई है तो आप डिसाइड करेंगे, आप पहले फ़ोन कॉल करेंगे एंड देन उसके बाद फिर आप उनको ईमेल करेंगे या लेटर लिखेंगे। तो दिस वॉज द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन एंड फर्दर चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।